हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल एंड आफ्टर द ह्यूज डिमांड इन दर्ल्ड ऑफ रीसेलिंग आई एम बैक विथ वन वीडियो आप सबके डिमांड के वजह से मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ मुझे काफ़ी सारे मेल्स मिले हैं आप सभी का प्यार मिला है आपकी काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किया है कॉन्टेक्ट्स मांगे हैं मुझसे और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपना रीसेलिंग का पूरा शेयर किया है कि मैं इस तरह से रीसेलिंग कर रही हूँ प्लीज़ आप कुछ टिप्स दें आप कुछ और जानकारी दें इसके बारे में तो काफ़ी समय से पेंडिंग था ये वीडियो तो आई थॉट कि क्यों ना इसको आज कंप्लीट कर लिया जाए तो रीसेलिंग के कुछ टिप्स हैं वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने फ़र्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं ऑलमोस्ट टू ईयर्स मैंने रीसेलिंग किया है सो so कुछ पॉइंट्स पॉइंटर्स रहते हैं जिनको मैंने खुद फेस किया था और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन चीज़ों से जब निकलेंगे तो आपको मेरे वो पॉइंटर्स याद आए और आप उस सिचुएशन में प्रॉपर डिसीज़न ले पाए एक्चुअली व्हेन आई वाज डूइंग रिसेलिंग उस टाइम क्या हुआ कि मैं हमेशा हंट पे रहती थी कि मुझे नए नए मैन्युफैक्चरर मिल जाए नई वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मिल जाए जो यूनिक हो जो किसी के पास ना हो ऑबियसली हम एज ए रीसेलर हमेशा ये सर्च करते हैं कि ऐसा कुछ हमें मिल जाए ब्रांड जो किसी के पास ना हो जो एकदम यूनिक हो तो उसी दौरान मैंने फेसबुक पे सर्च किया तो मैं एक पर्सन के टच में आई उन्होंने बताया कि हम मैन्युफैक्चरर हैं वेस्टर्न टॉप्स के तो वेस्टर्न टॉप्स का काफ़ी ज़्यादा मार्केट था और एंड एक्चुअली में उसके मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं थे तो मैंने उन पर ट्रस्ट कर लिया मैंने कहा ओके ठीक है उस टाइम मैं कुछ स्टॉक अपने घर पे भी रखती थी और कुछ स्टॉक डायरेक्ट रीसेल करती थी मैन्युफैक्चरर के थ्रू तो मैंने उनसे कुछ पिक्चर्स की डिमांड की कि मुझे कुछ पिक्चर्स शेयर कीजिए तो मैं उन्होंने मुझे कुछ सैम्पल पिक्चर्स दिए मैंने उन सैंपल पिक्चर्स में से अपनी क्वांटिटी बताई कि मुझे फ़ाइव टॉप्स ये डिज़ाइन में चाहिए फ़ाइव टॉप्स इस डिज़ाइन में चाहिए तो इस तरीके से मैंने कुल मेरा टोटल टोटल ऑर्डर जो था वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड समथिंग का बड़ा था तो वो ऑर्डर और उसका पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद जो वो पर्सन था आई डोंट वॉन्ट टू डिस्प्ले नेम ईयर बट उस पर्सन ने क्या किया हाँ ठीक है दो या तीन दिन में आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा इस तरह का मुझे उन्होंने रीज़न दिया तो मैंने दो या तीन उनका दिन उनका वेट किया बट कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया फिर मैंने कॉल बैक किए सब कुछ किया वो हर बार कॉल पे मुझे यही बोलते थे हाँ आज कल मैं आपका ऑर्डर डिस्पेच हो जाएगा बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वैसा नहीं किया तो मैं समझ चुकी थी दैट आई मीन अ बिग ट्रबल मैं ऑलरेडी फंस चुकी हूँ मेरा पच्चीस सौ जो भी पैसा था मैं उनको दे चुकी हूँ तो देन आई थाट कि मुझे वो पैसा अब वापस कैसे लेना है क्योंकि uh, क्योंकि किसी भी आप यहाँ बैठे हैं मैं पुणे में थी मैं पुणे से दिल्ली का कोई पर्सन है अगर मैंने उसको पैसा दिया है तो उससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे सिचुएशंस में बट आई थॉट कि ठीक है चलो थोड़ा ट्राई करते हैं खुद से ट्राई करते हैं देन आई रीच आउट ओवर अ फेसबुक में फेसबुक पे एक ग्रुप है लेडीज़ ग्रुप मैंने वहाँ पर पोस्ट की मेरी सिचुएशन तो वहाँ पे मुझे एक हेल्प मिली उन्होंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है जो फीमेल फ्रेंड है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है यू कैन टेक दी हेल्प ऑफर तो मैंने कहा ओके okay, ठीक है यू कैन शेयर दी नंबर तो उन्होंने जैसे ही नंबर शेयर किया मैंने इमीडिएटली उनको कॉल करके कहा कि मैम ऐसा ऐसा इशू है और ये बंदा ऐसा कर रहा है देन प्लीज़ हेल्प में हो तो एक सबसे बड़ा ये था कि उस बंदे का मेरे पास एड्रेस था वो एड्रेस ऐसे था उसका फेसबुक प्रोफाइल के अंदर उसने पास में कभी कुछ पोस्टिंग की थी उस पोस्टिंग में उसका एड्रेस भी मेंशन था तो वहाँ उस एड्रेस के थ्रू मैंने वो जो लेडी पुलिस थी उनको पूरी डिटेल बताई तो लेडीज़ पुलिस ने मेरी हेल्प करके उस बंदे को कॉल किया और अपने एंड से जो भी वो बोल सकती थी उसको डराने के लिए उन्होंने बोला तो आफ्टर दैट कॉल उस बंदे का मेरे पास फ़ोन आया उसने कहा कि मैम मैं रेडी हूँ आपका पैसा रिटर्न करने के लिए ऐसा वैसा तो उसने फिर उस टाइम मुझे कुछ टू थाउजेंड समथिंग रुपीज़ रिटर्न कर दिए और बाकी के फाइव हंड्रेड रुपीज़ पेंडिंग थे तो फाइव हंड्रेड के लिए वो यही बोलता रहा कि हाँ मैम मैं देता हूँ आपको इस वीक या मे बी नेक्स्ट मंथ ये वो अभी प्रॉब्लम चल रहा है अभी है नहीं बाकी फिर बाद में उसने फाइव हंड्रेड रुपीज़ मेरे रिटर्न नहीं किए थे तो आफ्टर एंड ऑफ दी स्टोरी इसका कंक्लूजन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई न्यू मैन्युफैक्चरर या न्यू होलसेलर सेलर सर्च कर रहे हैं देन डोंट ट्रस्ट देम इजीली उनको इतना इजीली ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें अगर आप चाहते हैं उनसे बिजनेस करना देन प्लीज स्टार्ट फ्रॉम दी स्मॉल ऑर्डर पहले हमेशा कोई भी छोटे ऑर्डर से शुरू करें मेरी तरह ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें कि आप डायरेक्ट उसको पच्चीस सौ का ऑर्डर दे दें मैं नहीं थी मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन थी ना ही मुझे कोई टिप्स देने वाला था कि ऐसा नहीं करना है मुझे जो ठीक लगा उस सिचुएशन में मैंने वो किया बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप कोई भी नए मैन्युफैक्चरर के साथ जाते हैं नए होलसेलर के साथ जाते हैं देन प्लीज़ ऑर्डर दी दैंपल पीस फर्स्ट कुछ सैम्पल ऑर्डर कीजिए मे बी टू हंड्रेड टू फिफ्टी इसका ऑर्डर कीजिए उससे आपको टेस्ट हो जाएगा कि वो बंदा जेन्यून है या नहीं है एक्चुअल में वो मैनुफेक्चरर या होलसेलर है कि नहीं तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ मेरे साथ जो जो हुआ वो ऐसी शॉर्ट स्टोरी काफ़ी सारी हैं जो एक सिंगल वीडियोस वीडियो में शेयर मैं नहीं कर सकती हूँ अगर आप मेरे और भी एक्सपीरियंस इस तरह के सुनना चाहते हैं देन टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बाय नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी सिचुएशंस बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुई थी और आपकी रिसेलिंग के करियर में भी हो सकती हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक पे प्रेस ज़रूर कीजिए